Hello everyone, I'm Sara Sharma. I'm presently posted as SP Vigilance Sambalpur. I'm an IPS officer of the 2010 batch posted in Odisha Cadre. I'll be talking about my different postings as an IPS officer. Initially, when I joined, I was a probationer in Balangir district. I was in charge of the Sadar Thana. So I had no knowledge about what I was supposed to do in the police station. It was my first hands-on training. There was no IIC to train me, but what I did initially was that I listened to the problems of, and grievance of the people, and that made a lot of difference. You know, many people used to come to the police station after I joined. So, पहले लोग बोलते थे कि इतने लोग तो आते नहीं थे, तो अभी कैसे आ रहे हैं? तो काफी उनकी जो numbers वो काफी बढ़ गई, and that was because probably not that I could solve all their grievances or I could detect all the cases, but because I gave them a patient hearing. So that mattered, and that is what I learned also, ki aap agar sunenge to maybe people tend to repeat, you know, jab koi dikkat mein hota hai tabhi wo thane ya police ya hospital jata hai. To jab thane aate hain, police ke paas aate hain, to unki bahut problems hoti hain. So I was listening to them, and that probably solved most of the problems or whatever. I mean, just have a human heart and listen to them. So that was my initial posting. Uske just baad mein, I was in Rourkela. Rourkela mein, wahan pe we were given operational training. We were made operational commanders. So hame Naxal area mein jana padta tha, wahan pe ghumna padta tha, and we used to, our work was just collecting intelligence and, you know, kind of attacking the Naxals. So wo humne training kari. I was attached to the anti-Naxal cell of the SP office. तो वहाँ पे आई गॉट सम आइडिया अबाउट दिस, एंड वी ऑल्सो हैड एन एनकाउंटर वेर आई गॉट सम रिवार्ड फ्रॉम द स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स. इसके बाद आई वॉज पोस्टेड एज SDPO. SDPO में आई वॉज पोस्टेड इन ए प्लेस वेर देर वर लॉट ऑफ क्राइम्स टेकिंग प्लेस. तो वहाँ पे आए दिन क्राइम्स होते थे, एंड वहाँ पे बॉम्बिंग्स एंड मर्डर्स वेर लाइक वेरी वेरी फ्रीक्वेंट. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्राइम प्रोन एरियाज ऑफ द स्टेट. आस्का डिस्ट्रिक्ट था, एंड VIP ड्यूटीज वेर ऑलमोस्ट एवरी वीक ट्वाइस और थ्राइस. कभी नहीं होता था, एक बार होता था, बट इट दोज वे वेरी रेयर ओकेजन्स, एंड यूजली दो तीन बार हमें VIP ड्यूटीज करनी पड़ती थी. तो VIP ड्यूटीज के बाद दैट वॉज दैट प्लेस आस्का. उसके बाद आई वॉज प्रोमोटेड टू एडिशनल SP. आई गॉट पोस्टेड इन अनदर प्लेस वेर देर वॉज लॉट ऑफ NDPS केसेस, लॉट ऑफ गांजा एवरीवेयर, कैनबिस कल्टिवेशन. तो वहाँ पे माय मेन जॉब वाज टू गो एंड यू नो काइंड नैप द कल्प्रिट्स, और पकड़ना था इधर इंटरसेप्टिंग देम ऑन द रोड्स और गोइंग टू द फील्ड्स एंड यू नो काइंड ऑफ बर्निंग इट डाउन, डिस्ट्रॉइंग इट, और गोइंग टू देयर हाउसेज एंड कलेक्टिंग इट फ्रॉम देयर हाउसेज. सो एक बार आई रिमेम्बर आई हैड 5 ट्रक्स फुल ऑफ गांजा जो हमने घर से कलेक्ट किया था. दैट वॉज इन वन विलेज हुज एंटायर लाइवलीहुड वॉज कमिंग फ्रॉम गांजा कल्टिवेशन. तो वहाँ पे हमने जाके पकड़ा, एंड इट वॉज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट एज एडिशनल SP. सोनपुर में आई हैड अ मर्डर केस जस्ट 7 डेज ऑन, एंड आई वॉज देयर पोस्टेड एज SP. एंड वहाँ पे पोस्टिंग होते ही देर वॉज अ हीनस मर्डर विच सेंट रिपल्स अक्रॉस द स्टेट, एंड उसके बाद आई हैड टू डिटेक्ट इट इन 48 hours, एंड वी सक्सेसफुली डिड इट. उसमें वी गॉट वन चेयरपर्सन ऑल्सो, उसको जेल में डाल दिया, एंड देन आई वॉज पोस्टेड अगेन टू देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट. देवगढ़ वॉज सपोज टू बी ए वेरी नैक्सल रिमोट डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम थी, एंड एरिया वाइज अनलाइक इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स, एंड इट हैड ए लॉट ऑफ ग्रीनरी एंड लॉट ऑफ ट्राइबल्स ओवर देयर. सो लोग काफ़ी कम थे, क्राइम्स काफ़ी कम था, बट नक्सल्स वेर एक्टिव इन दैट एरिया. सो वी हैड टू रेगुलरली गो आउट फॉर आर सिविक एक्शन प्रोग्राम्स एंड गो आउट फॉर पेट्रोलिंग. तो हम लोग काफ़ी जंगल जाया करते थे. आई हैव सीन प्लेसेज विच आर एज सीरीन प्लेसेज वेयर ओनली नक्सल्स यूज टू रोम एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैड नेवर रीच्ड. तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट SPs आई कैन बोस्ट एंड आई कैन प्राउडली से टू हैव गॉन इन साइड टू इंटीरियर्स वेयर None of the administration people had ever reached. उन्होंने देखा नहीं था कि there are government policies, there are government schemes to help them, and they never knew about it. तो काफ़ी वो जाके that was another experience. ऐसी ऐसी जगह थी जहाँ पे there was no motorable roads. We used to walk down for kilometers. सुबह जाते थे, शाम को आते थे, carrying guns, carrying clothes, and my team has done it all.
So next posting was in Police Training Institute where I was the principal. और वहाँ पे हमने I taught around 436 young sub inspectors who were doing their training and who are now posted everywhere in across all districts of Odisha. Then I was posted in as SP BPSPA, the Biju Patnaik State Police Academy, जहाँ पे we taught another 300 odd women police sub inspectors. Or they also passed out and they are now spread across the state of Odisha. Later I was posted to Gajapati where there were a lot of community policing initiatives that I took. Jab maine dekha ki logon ke cases ke alawa bhi problems ho sakti hain. Suppose a victim of domestic violence aa rahi hai mere paas, to uske baad uske paas wo to husband se pratadit hai, parivar se pratadit hai, at the same time she also had nothing to eat. तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक लेडी आई, दो दिन पहले बोलती थी कि मेरे पति को जेल में डालो, उसने मुझे हरास किया है, एंड देन शी कम्स आफ्टर टू डेज एंड टेल्स मी दैट आप उसको निकालिए. आई टोल्ड व्हाई आर यू चेंजिंग योर स्टेटमेंट सो फ्रीक्वेंटली, एंड देन शी टोल्ड कि मैडम खाने के लिए नहीं है, बच्चे दो हैं, लेट हिम गो फॉर बाइगेमी, लेट हिम कीप अनदर वाइफ, आई एम ओके विथ इट, बट मेरे बच्चों को खाना चाहिए. तो वी ट्राई टू एम्पावर दीज वीमेन थ्रू आर स्कीम्स, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स जो हमने शुरू किए, एंड वी टॉट देम, वी मेड देम सेल्फ रिलायंट. मैंने बोला अब तुम खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओ ताकि यू डोंट हैव टू यू नो चेंज योर स्टेटमेंट्स एंड यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी. तो वो हमने एक इनिशिएटिव लिया एंड लॉट ऑफ अदर इनिशिएटिव वेयर वी वेंट बियॉन्ड द केस, वी वेंट बियॉन्ड द पर्सन टू हेल्प हिम और हर आउट. तो काफ़ी हमने इनिशिएटिव्स लिए. नाउ आई हैव जॉइंड इन विजिलेंस वेयर यहाँ पे काफ़ी वी आर जो मुहिम हमने शुरू करी है अगेंस्ट करप्शन, तो दैट्स गोइंग ऑन. तो वी फाइट करप्शन और यहाँ पे काफ़ी सारा हमने अच्छे मतलब करप्ट ऑफिसर्स को हमने पकड़ा है, दोज हु आर इंडल्जिंग एंड दोज हु आर यू नो काइंड ऑफ स्प्रेडिंग करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस. तो दिस हैज़ बीन माई जर्नी एंड इट हैज़ बीन अ वेराइटी, lot of diversity and lot of various types of work in all places. These were all my postings that I talked about and I hope you liked it and you enjoyed it. Thank you so much.